हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल से गुड़िया की नानो भी उनके घर आई हुई थी। गुड़िया अपनी नानो की गोद में बैठी कहानियाँ सुन रही थी और मम्मा चिड़िया उनके लिए खिचड़ी बना रही थी। नानो नानो, फिर क्या हुआ? फिर वो आम का पेड़ गुस्से में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। कौवा नीचे गिर गया और पके हुए आम कौवे के दुम पर यूं लगे। गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। अच्छी सजा मिली नानो, कौवे को बहुत अच्छी सजा मिली। गुड़िया बेटी, डिब्बे में नमक नहीं है, जाओ पड़ोसन गोरी आंटी से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपनी नानो की गोद से निकलती है और पड़ोसी कवि के घर जाती है। आंटी आंटी, मामा ने भेजा है, मामा खिचड़ी बना रही थी कि नमक खत्म हो गया, आप थोड़ा सा नमक दे दे। खिचड़ी? गुड़िया, तेरी मम्मा तो बहुत स्वाद स्वाद की चीजें बनाती है ऐसी बारिश में। मम्मा मम्मा, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। चुप कर जा, मुझसे नहीं बनती ऐसी बारिश में खिचड़ी। लो गुड़िया, तुम ये नमक ले जाओ। गुड़िया नमक लेकर घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा खिचड़ी बना लेती है। अभी वो गुड़िया और उसकी नानी को खिचड़ी परोसने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मुझे मेरा नमक वापस दे दो, मेरा भी प्रोग्राम बन गया है खिचड़ी बनाने का, मगर मेरे पास वही नमक था जो मैंने गुड़िया को दे दिया। जल्दी से तुम मेरा नमक मुझे वापस कर दो। गौरी बहन, ये क्या बात हुई? पड़ोसी पड़ोसियों से छोटी मोटी चीजें ले ही लेते हैं, वो नमक तो मैंने खिचड़ी में डाल दिया है। चिड़िया, अगर नमक खिचड़ी में डाल दिया है तो क्या हुआ? तुम मुझे मेरे नमक के बराबर खिचड़ी दे दो, हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारे जैसे लालची पड़ोसी तो किसी के ना हो। चिड़िया एक प्लेट खिचड़ी डालकर गौरी कवि को दे देती है। गौरी कवि खिचड़ी लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये गौरी आंटी बहुत बुरी है, कभी कोई दी हुई चीज भी ऐसे वापस लेने आता है। गुड़िया बेटी छोड़ो, ये कौवे होते ही ऐसे हैं। चलो हम खिचड़ी खाते हैं और कहानी फिर से शुरू करते हैं। जग्गू और उसकी मम्मा भी खिचड़ी खा लेते हैं। जब बर्तन खाली हो जाता है तो बाहर से जग्गू के पिताजी कालू कौवा आ जाते हैं। खिचड़ी चोरी चोरी, मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। कालू, घर में नहीं बनाई, वो तो बहुत मुश्किल से पूरी भली बनकर चिड़िया से लाई थी मैं। पापा, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। अगर चिड़िया ने तुझे खिचड़ी दे दी तो मुझे भी दे देगी। जग्गू जाओ और जाकर चिड़िया आंटी से खिचड़ी लेकर आओ। जग्गू खाली प्लेट लेकर फिर से घर से निकलता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है, मेरी नानो आ गई है, मम्मा ने कहा है थोड़ी सी खिचड़ी मेरी नानो के लिए भी दे दो। जग्गू बेटा, एक प्लेट भर कर तो आपकी मम्मा ले गई थी, अभी थोड़ी है खिचड़ी। रानो बेटी दे दो, पड़ोसी है और ऐसी बारिश में जग्गू की नानो। और जग्गू वो खिचड़ी लेकर जल्दी जल्दी से अपने घर चला जाता है। मैं ले आया पापा, मैं ले आया, मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला, मैंने कहा कि मेरी नानो आई है, मम्मा थोड़ी सी खिचड़ी मांग रही है। अरे अरे जग्गू, तू तो बड़ा होशियार निकला। मगर ये खिचड़ी मेरी है, मैं खाऊंगा। कौवा वो खिचड़ी खाने लगता है। कभी गोरी वो प्लेट अपनी तरफ खींचती, कभी जग्गू तो कभी कालू कौवा, वो लड़ झगड़ कर सारी प्लेट खाली कर देते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू देखो बेटा, ऐसी बारिश में कौन आ गया है। जग्गू दरवाजा खोलता है। नानो आप? मम्मा मम्मा, नानो आई है, नानो तो सच में आ गई। जग्गू की नानो अंदर जाती है। माँ, तुम ऐसी बारिश में? मैं घर से निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। गोरी बेटी, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर गोरी परेशान हो जाती है। कालू, घर में तो कुछ है नहीं और चिड़िया से खिचड़ी तो पहले ही जग्गू की नानो का नाम लेकर खा ली है, अब क्या करें? गोरी, चिड़िया बहुत दयालु है, तुम फिर से चिड़िया के घर जाओ और चिड़िया से खिचड़ी मांग कर ले आओ। ट्राई करती हूँ मगर मुझे उम्मीद नहीं है अब चिड़िया मुझे खिचड़ी देगी। गोरी कवि फिर से चिड़िया के घर जाती है। गोरी, तुम फिर से आ गई, नमक क्या लिया? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो,
चिड़िया, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। पहले जग्गू झूठ बोलकर खिचड़ी लेकर गया था कि मेरी नानो आई है, मगर मेरा विश्वास करो, अब सच में ही जग्गू की नानो आ गई है, वो भूखी है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी नानो हंसने लग जाती है। रानो बेटी, दे दो थोड़ी खिचड़ी, तुम्हारी पड़ोसन ने नमक देकर खिचड़ी में हिस्सा जो डाल लिया है। फिर चिड़िया गौरी को एक प्लेट और खिचड़ी दे देती है, जिसे लेकर गौरी कवि बहुत खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और उसकी नानो उन कवों से ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि वो कवि तो थे ही ऐसे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। कालू कौवा और उसकी पत्नी बूढ़ी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा काम के लिए निकल जाता है। गौरी कवि की सास को बहुत भूख लगती है। वो अपनी बहू गौरी कवि को आवाज लगा कर बोलती है, बहू बहू गौरी, कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। खाने को भी मैं ही बना कर दूंगी, आपके हाथ पैर क्या काम नहीं करते, दिन भर परेशान कर देती हो, कुछ तो काम कर लिया कर। बेटा, मुझसे काम होता नहीं है। हाँ हाँ, खा होता है और काम नहीं होता। गौरी अपनी सास को खाना तक ना बना कर देती और वो भूखी ही सो जाती। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी उससे कहती है, कालू, मैं तो सारा दिन तेरी इस माँ के डरामे देख देख कर तंग आ गई हूँ। क्या हुआ गौरी? अभी एक मिनट भी नहीं गुजरता, उसे भूख लग जाती है, इधर खाती है उधर भूख लग जाती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं कल काम पर जाने से पहले माँ का बंदोबस्त करके जाऊँगा। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवे की माँ उठती है तो वो कालू से कहती है, कालू बेटा, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहू ने भी कल मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। तेरी भूख तो मुझे खाकर ही मिटेगी, देख देख कालू कैसे मेरी शिकायत लगा रही है तुमसे। कालू कौवा गुस्से में आगे बढ़ता है और एक रस्सी से अपनी माँ की चोंच जोर से बांध देता है। लो, अब बैठकर यहाँ देखती जा, गौरी मैं काम पर जा रहा हूँ और जब तक मैं आ नहीं जाता इसकी चोंच ना खोलना। कालू काम पर चला जाता है। गौरी मीठे मीठे आम और अंगूर लेकर अपनी सास के सामने बैठ जाती है। सासू माँ, बताओ तो ये आम मीठे हैं या खट्टे? तुम कैसे बताओगी, तेरी तो चोंच तेरा अपना बेटा ही बांध कर चला गया। गौरी अपनी सास के सामने बैठकर मजे मजे की चीजें खाती है और उसकी सास सारा दिन भूखी रहती है। कालू, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारी माँ जिंदा है। मेरी माँ नहीं है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। तोते की ये बात कालू कौवे को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो कौन सा अपनी माँ की कद्र करता था। घर जाकर कालू कौवा अपनी माँ की चोंच खोलता है। मर गई कालू, कालू बेटा, मैं भूख से मर गई। लो माँ, ये दाना खा लो, अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं फिर से बांध दूंगा। ये सुनकर कालू की माँ चुप हो जाती है और जल्दी जल्दी वो सूखा दाना खाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा काम पर गया हुआ था। गौरी कवि किसी बात पर अपनी सास से उलझ जाती है और उसे मारने लगती है। घर से बाहर निकलकर गौरी की सास अपनी जान बचाती है। गौरी, शर्म करो, बूढ़ी सास को मार रही हो, कल तुमने भी बूढ़ी होना है। चल चल, तू अपना काम कर, तू कौन होती है हमारे घर की बात में टांग अड़ाने वाली। माँ चले, आप मेरे साथ चले, मैं आपको इज्जत भी दूंगी और दाना भी। फिर चिड़िया गौरी की सास को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब कालू कौवा आता है तो पूछता है, गौरी माँ कहाँ है? कालू जी, मैं बैठी हुई थी कि पीछे से आकर मुझे मारने लगी तेरी माँ, और फिर नाराज होकर चिड़िया के घर चली गई।
अच्छा ही हुआ जो जान छोड़ गई, मैं भी माँ से बहुत तंग आ गया था। फिर एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, जब एक पक्षी सरकार की तरफ से आता है। कालू कौवे की माँ का घर यही है? हाँ, मैं बेटा हूँ उसका। तुम्हारे पिताजी ने इंश्योरेंस करवा रखी थी अपनी, ये उस इंश्योरेंस के पैसे देने हैं तुम्हारी माँ को, वो कहाँ है? आप ऐसा करें, ये रकम हमें ही दे दें, मैं बहू हूँ और ये बेटा है उनका। पीछे से कालू की माँ भी चिड़िया को साथ लेकर आ जाती है। नहीं, ये पैसे आप मुझे ही दें, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ, जो मुझे इज्जत देता है, जहाँ से मैं खाती हूँ, मैं ये पैसे खर्च भी वहाँ ही जाकर करूँगी। कवे और कवि, तुम्हें पैसे से प्यार है, माँ से नहीं। फिर कालू की माँ वो पैसे लेकर चिड़िया के साथ चली जाती है और कौवा और गोरी कौवी देखते रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।